बिहार के पश्चिमी चंपारण प्रखंड बगादो के गोनौली वन क्षेत्र के गोनौली रेंजर अवधेश पिता प्रसाद सिंह ने बताया कि कल रात 9:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि शिव ना गांव के कुछ लोग मिलकर जंगलों से लकड़ी काटकर बेचने के लिए ला रहे हैं। उसी दौरान वन विभाग के वन कर्मी गश्ती में निकली थी, उसी बीच जब पता चला कि जंगल से लकड़ी निकल गया है, तभी एक संतोष कुमार सिंह नाम के घर पर वन विभाग की टीम छापा मारा और 7 लकड़ी के गुच्छे उसके घर से बरामद हुआ। शीशम का लकड़ी और सागवान का लकड़ी शामिल है और संतोष कुमार सिंह को भी वन कर्मी घर दबोचे। उसके बाद संतोष कुमार सिंह को बघा जेल भेजा गया। पश्चिमी चंपारण से जनक कुमार की रिपोर्ट। वनों के चित्र पदाधिकारी कार्यालय है, यहाँ पे वनों के चित्र पदाधिकारी सहित अन्य वन कर्मी भी रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं यही लकड़ी कल रात में जो बरामद हुआ है, सागवान और शीशम का लकड़ी है। इसमें एक आरोपी भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। लकड़ी में संतोष कुमार सिंह जी कहाँ के हैं जी? कुछ लकड़ी भी बरामद हुआ है जी, और चार और अधिकारी जी, तो वो लोग को जेल होगा ना उसका सर? जेल होगा, जेल सेंटर करने जा रहा है जी। और जो लोग फरार हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नाम केस में दर्ज जी? ठीक है सर, धन्यवाद।